और उत्तर प्रदेश के आगरा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। बता दें कि दो दिन पहले आरोपी पशुपालक की हत्या में शामिल थे, जिसे पकड़ने पुलिस गई थी। मौके पर पहुंचे पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग करके हमला बोल दिया। जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने दो बदमाशों को दबोच लिया है। विगत दो दिनों पहले थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में पशुपालक की हत्या कर दी गई थी। दो बदमाश घायल हो गए हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज दिनांक 8/12/2023 को ट्रांस यमुना पुलिस को मुखबिर द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि दो दिन पहले भगवती बाग में भैंस चोरी के क्रम में एक बुजुर्ग की हत्या करने वाले जो बदमाश थे, वो काशीराम आवास योजना इस्लामपुर के पास एक किसी बड़ी घटना को कारित करने की योजना बना रहे हैं। इस क्रम में जब पुलिस टीम वहाँ पहुँची तो अभियुक्तगण ने पुलिस पर जान लेने की नीयत से फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी आत्मसात फायर किया गया, जो अभियुक्त के पैर में लगी है। दो अभियुक्त घायल हुए हैं, जिनकी पहचान सलमान उर्फ सुल्तान और अमित तोमर उर्फ अंकित के रूप में हुई है। घायल अभियुक्तों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। घटना स्थल से दो तमंचा 315 बोर, चार जिंदा कारतूस, चार खोखा कारतूस, एक लोहे की रॉड, एक टेम्पो लोडर, दो रिंच, एक हथौड़ा, दो छेनी, एक प्लास, एक पेचकस बरामद किया गया है। दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, उन्हें जेल भेजा जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिशुपाल जुड़ गए हैं। शिशुपाल, पूरा मामला क्या है और क्या कुछ नई जानकारी है? नियाजी, मैं आपको बता दूं कि दो दिन पहले जो पशुपालक थे, उनको उनके बाड़े में उनके हाथ पैर बांधकर इन बदमाशों ने हत्या कर दी थी। आपको बता दें, जो महेशचंद थे, जो दूध बेचने का काम करते थे जी, अब जब ऐसा हुआ कि नई घटना को अंजाम देने के लिए काशीराम आवास योजना इस्लामन टेड़ी बगिया पर लोडर टम्पू सहित ये एक योजना बनाए थे, इसकी भनक पुलिस को लग गई। पुलिस को जब भनक लगी तो मौके पे पुलिस ने उनकी घेराबंदी की। घेराबंदी करने के बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। इसमें दो बदमाश जो थे, सलमान और अमित तोमर, इनके पैर में गोली लग गई। किन धाराओं पर इन पर केस दर्ज हुआ है और आगे इन पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? जी 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 जी, जो चोरी और जो ये जो हत्या जो हुई है, उन धाराओं में पुलिस ने केस दर्ज किया है और जवाबी फायरिंग करने के बाद इन पर पुलिस ने गोली चलाई है। उनके पैर में गोली लगी है और उसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। शिशुपाल, पशुपालक की हत्या का जो मामला है, क्या किसी ने हत्या करवाई है या फिर ये लूटपाट का मामला है? जी जी, ये हत्या उनके भाइयों से पूछा गया और पड़ोसियों से पूछा गया, उसके बाद पुलिस पूरी जानकारी करने के बाद ये दोबारा से लूट की, जो भैंस लूटते चोरी करते उसकी योजना बनाए थे, ये लुटेरे थे, भैंसों की चोरी करते थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिशुपाल, ज्यादा जानकारी के